हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान ट्रेंडिंग, मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, एमकेएम लंदन से इस्तीफों की हवा चल पड़ी है। पहले बाबर गौरी ने इस्तीफा दिया, उनके साथ साथ शमीम सिद्दीकी भी मुस्ताफी हुए और फिर अंबर खान और डॉक्टर नदीम भी अब एमकेएम पाकिस्तान से अलहदा हो गए हैं। वाज़े तौर पर उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ बाबर गौरी की जानिब से एक अहम बात यह भी की गई कि एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम लंदन अलहदा नहीं है बल्कि एक ही हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम महाजिर धड़े मिलकर साथ सियासत करें और आइंदा आने वाले इलेक्शन की तैयारी करें। इस पर एमकेएम पाकिस्तान का मौकफ क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सबजवारी साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। फैसल साहब, जिस तरह एमकेएम लंदन के चार इस्तीफे सामने आए और बाबर गौरी साहब ये कह रहे हैं कि एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम लंदन एक नहीं है, ये तो बहुत सारे सवाल को जन्म दे रहा है उनका ये जुमला। मेरे इल्म में नहीं कि उन्होंने कोई इस तरह का बयान जारी किया है। मैंने तो जो उनका सियासत से दस्तबरदारी का इलामिया था वो बड़ा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन खैर महारत, अगर उन्होंने की भी है तो उनके नुक्ते नजर की मेरे ख्याल में एमकेएम पाकिस्तान की नज़र में तो कोई अहमियत नहीं है। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हम क्यों कर रहे हैं। हमें किसी को जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अवाम हमारे बेहतर मुनसिफ हैं, वो निकल कर आ रहे हैं लंदन से, हमारे हवाले से मुगलजात, धमकियों, बॉयकॉट की अपीलों, सारी चीजों, सर्टिफिकेट्स के बावजूद लोग एमकेएम पाकिस्तान को इत्माद के घाट पर नहीं है। कराची का जलसा हो, हैदराबाद के जलसा हो, मीरपुर खास नवाब शाह में इस्तकबाल हो, सब वाजे तौर पर बताता है कि शहरी संघ का वोटर अभी भी एमकेएम पाकिस्तान के साथ है, पतंग के निशान के साथ है, हमारे साथ है। अच्छा, बाबर गौरी साहब ने यह भी कहा फैसल साहब कि तमाम धड़ों को अब मिल जाना चाहिए और बहुत सारे धड़े बन चुके हैं और अगर इसी तरह ही धड़े बने रहे तो जाहिर है महाजिर वोट तकसीम हो जाएगा। इस पर एमकेएम पाकिस्तान और आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि कुछ कोशिश तो आप लोगों की जानिब से, आपके पीएसपी की जानिब से की गई थी लेकिन जाहिर उससे तो बात नहीं बन पाई। नहीं, हमने कोशिश ये की थी कि हम किसी भी सूरत में अपनी अदम तथातुम और अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर कारबंद रहते हुए अगर कोई मिनिमम वर्किंग एजेंडा है उसको आके बना सके। लेकिन पीएसपी की जानिब से जिस गैर जिम्मेदारी का और नामुनासिब तर्ज अमल का मुजाहरा किया गया तो मुझे नहीं लगता कि उस कोशिश में कोई उम्मीद बाकी है। अब अहम बात यह नहीं है कि कितने लोग एमकेएम छोड़कर अपनी क्या पार्टी बना लें और अब क्या धड़ा बना लें। अहम बात यह है कि जो एमकेएम का वोटर है, एमकेएम के हमदर्द हैं, वो भी क्या धड़ों में तकसीम हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एमकेएम के अलावा जो दीगर लोगों ने अपनी जमातें बनाई हैं या दावत कर रहे हैं उनके प्रोग्राम में भी इसी तरीके से हजारों लाखों लोग उमड़ कर आते। तो हम ये समझते हैं कि हमारे वोटर को बखूबी इल्म है एमकेएम पाकिस्तान माजी की गलतियों से आगे बढ़कर किसी भी तशद्दुद तसादों की सियासत को एक तरफ रखकर पाकिस्तान में वाकईतन मजबूत सियासत के फरोग के लिए जो अपना काम कर रही है, जो किसी रहमान मलिक से, किसी इकबाल कादरी से, किसी से भी ना ब्लैकमेल हो ना मैनेज हो, अपने फैसले यही करे, मैरिट पर करे। लेकिन फैसल साहब, क्लेम तो पीएसपी भी यही करती है, अभी अंदरून सिंध उन लोगों ने भी दौरे किए और उन्होंने कहा कि पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा था और एमकेएम से बढ़ चढ़ कर लोग हमारे पास आए और बहुत ज्यादा लोगों ने हमें वेलकम किया, तो अब वो भी जाहिर क्लेम करते हैं कि अगले इलेक्शन में वो क्लीन स्वीप करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आपका वोटर आप पर ही अभी तक भरोसा कर रहा है, एतमाद कर रहा है और कहीं नहीं जाने वाला। देखिए, क्लेम तो कोई भी कर सकता है, मुख्तलिफ सियासतदान छोटे या बड़े करते ही रहते हैं। अहम बात यह है कि लोग उनको कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मेरे भाई, तो उन्होंने जो अपना मिलियन मार्च निकाला था पीएसपी ने, उसकी फुटेज चला दीजिएगा फिर प्रोग्राम में। और हमने जो एक जलसा कराची में 5 दिसंबर को किया है, नवंबर को लियाकतबाद में या अभी 8 दिसंबर को हैदराबाद में, उसकी फुटेज चला दीजिएगा तो अंदाजा हो जाएगा कि हम जो क्लेम कर रहे हैं तो की कोई बुनियाद नहीं है। अच्छा, हैदराबाद जलसे से मुताल्लिक तो अभी मुस्तफा कमाल परसों ये कह रहे थे कि उसमें 2200 कुर्सियां थी और कराची के जलसे से मुताल्लिक कह रहे थे कि उसमें 7000 लोग आए थे।
हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका मार्च मिलियन मार्च था, तो आप देख लीजिए कितने मिलियन लोग थे, कितनी बसों में पुलिस ने कि जो वाटर कैनन के बाद वो लोग कहा कि मेरे ख्याल में उनकी बातों को ना हम संजीदा लेते हैं, मीडिया की नज़र में मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात की वक्त होगी, कराची या शहरी सिंध के लोगों की नज़र में कोई नहीं है और उनकी नज़र में कोई नहीं है तो हमारी नज़र में। लेकिन फैजल साहब अभी एक महीने पहले की बात है, फारूक सत्तार साहब के बराबर में वो बैठे हुए थे, ज़ाहिर है उस वक्त तो उनकी वक्त थी, जबी तो आप उनके मेज़बान बने थे। नहीं, हमने तो एक बहरहाल खैर सगाली का मुजाहरा किया था ना, लेकिन अगर हमारी मेज़बानी के बावजूद भी अगर एक साहब अपने सियासी कद से बढ़कर ऐसी बात करें कि जो बाद में फितनों को जन्म दे, तो हम ये समझते हैं कि वो खैर जिम्मेदारी और इमेच्योरिटी का मुजाहरा था जो उन्होंने किया, और यकीन जानिए कि उनकी जमात को नुकसान हुआ है, हम बहुत फायदे में। अच्छा फैसल साहब, के एमकेएम पाकिस्तान के अंदर रहनुमाओं को लीडरशिप से भी तहफ्फुज़ात हैं, इख्तलाफात हैं, किसी किस्म की कोई ग्रुप बंदी है, फारूक सत्तार साहब पर अदम एतमाद है? नहीं, ऐसा कतन नहीं है, फारूक सत्तार साहब हमारे सरबरा हैं, हम उनकी सरबराही में ही काम कर रहे हैं, बारहा हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम में पूरी लीडरशिप न सिर्फ साथ खड़ी होती है बल पर मिलजुल के चलने के ऊपर और फारूक भाई की सरबराही के ऊपर बात का मुजाहरा करती है। तो अगेन ये उन लोगों की ख्वाहिशात हैं जो कुर्सियां गिन रहे हैं, और जो भाई आपको कोई और काम नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप मीडिया के ड्रोन कैमरों की कवरेज से दिखा दें कि कितनी कुर्सियां थी। ये अजब बात है कि निश्चर पार्क में हम जलसा करें तो वहां आप कहेंगे कि 4,000 कुर्सी लगी है, और आप 1200 लोगों को शारा फैसल में निकाल के मिलियन मार्च है, मेरे ख्याल में बचकाना तर्ज अमल है, फ्रस्ट्रेशन है हमारे नाकदीन की, और बजा भी है, उनको नजर आ रहा है कि अगले चंद महीनों में अगर इलेक्शन में जाएंगे तो किस किस की यहाँ से जमानत जब्त होगी, तो ठीक है उनकी फ्रस्ट्रेशन बजा है मैं समझता हूँ। अच्छा, ये जो क़यादत से तहफ़ुज़ात वाली बात है, इसको ज़ाहिर है उस बात से भी तकवीत मिलती है कि कामरान टिसोरी साहब अभी कुछ नाराज थे, उनको भी तहफ़ुज़ात थे फारूक सत्तार साहब से, और फिर उनकी वालदा और अहलिया उनको मनाने गई, तो शायद इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि वो तो इतनी हाई पोस्ट पर हैं, इस वक्त डिप्टी कन्वीनर हैं वो, उन्हें फारूक सत्तार साहब से क्या इख्तलाफात हो सकते हैं और क्या वो दूर हो गए वो तहफ़ुज़ात? लेकिन मुझे नहीं है उनको क्या इख्तलाफात थे, ना उन्होंने मुझसे या हमारी रब्ता कमेटी की मीटिंग अभी तक हुई नहीं है, तो जब मीटिंग होगी तो यकीनन उनसे दरियाफ्त भी किया जाएगा। फारूक भाई की उनसे मुलाकात जरूर हुई, लेकिन मैं उसकी तफसीलात से आगाह नहीं हूँ क्योंकि हम जलसे के लिए मसरूफ थे, जलसे में वो आए भी और उन्होंने तकरीर भी की, तो आपने देखा कि वहाँ स्टेज के ऊपर मौजूद थी, और तकरीर तो यही जाहिर करती है कि शायद वो दूर हो गए और वो इख्तलाफात हो। अच्छा फैसल साहब, एमकेएम की एक तवील तारीख है ज़ाहिर है, इसमें तो इस सेक्टर इंचार्ज और यूनिट इंचार्ज बनना इतना मुश्किल होता था, हमेशा से कहा जाता है कि एमकेएम बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से काम करती है और बड़े मेरिट पर चीज़ें करती है। कामरान टिसोरी साहब फरवरी में एमकेएम पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं और इतनी जल्द वो डिप्टी कन्वीनर बन जाते हैं जिस पार्टी में फैसल सबसवारी मौजूद हों, ख्वाजा इज़हार मौजूद हों, दीगर बड़े नाम मौजूद हों, तो ये इतने शॉर्टकट से इतनी ऊपर कैसे आ जाते हैं, इसकी कोई वजह आपको समझ आती है? क्या ऐसी उनकी परफॉर्मेंस थी? ऐसी मिसालें सर माजी में भी बस लोगों की मौजूद हैं कि जो आए फौरन पार्टी में और उनको कमेटी या मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पे आ गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कामरान टिसोरी साहब का वाकया अब बहरहाल एक मुनफरिद है, हमारी ख्वाहिश यही है कि वो अब तनदही से काम करके उस सियासी बलूगत का मुतायरा करके जिससे उनकी तवक्को है वो हमारे साथ कांग्रेस से कान्हा मिलाकर काम करेंगे, तो यकीनन अगर किसी को खदशात थे भी तो उनको भी गलत साबित करें, अपने नाकदीन को भी चुप करवाएं। तो अभी तक उनकी कोई ऐसी पॉलिटिकल अचीवमेंट नजर नहीं आई ना कि जिसके मुकाबले पे कहा जा सके कि जी फैसल सबसवारी और ख्वाजा इजहार को नजरअंदाज करके कामरान टिसोरी को डिप्टी कन्वीनर बना दिया जाए? नहीं, मैं तो नहीं समझता मेरे भाई के कम अज कम के मैं किसी रैट रेस का कभी भी नहीं रहता, तो मुझे तो कभी भी ये फिक्र नहीं रहती कि मैं नजरअंदाज हो रहा हूँ या नहीं हो रहा। खैर अहम बात यह है जो मैंने कहा कि हम सब मुत्तहिद रह के मुनज़्ज़म रह के शहरी सिंध के लिए बिलुमूम बिलखसूस हमारा जो मुहाजिर बेस है उस वोटर को इशूज को जेन्युइनली एड्रेस करें, सियासी बार्गेनिंग के लिए इशूज को एड्रेस ना करें, यह अहम है। हम सब कांधे से कांधा मिला के काम कर पाएंगे तो यकीनन मेरी भी, कामरान भाई की भी और दीगर लोगों की भी अहमियत और वक्त का अंदाजा उसी वक्त होगा कि जब हम मैदान अमल में कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हों। अच्छा, आप कह रहे हैं मुनज्जम रह के और मुत्तहिद रह के काम करें, जो मुत्तहिद आप सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं या जो दीगर महाजिर धड़े हैं इस वक्त, पीएसपी है, आफाक अहमद ग्रुप है और एमकेएम लंदन भी जाहिर है, तो उन सब के बारे में मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं? हम ये समझते हैं कि आपने जितने नाम लिए जहां जहां जो संजीदा
खासकर महाजर कारकुनान हैं वो हमके पाकिस्तान की जानब ही देख रहे हैं। बात चीजें तो तय है, पाकिस्तान हमारा वतन है, हमने इसमें ही रहकर सियासत करनी है, इसके खिलाफ जो काम करे हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, उसके सामने आकर खड़े होंगे। हमने तसादुम की सियासत को फरोह नहीं देना, हमने तशद्दुद की सियासत नहीं होने देनी, हमने महाजर कातिल महाजर मकतूल की सियासत नहीं होने देनी। हमने सवा साल में ये प्रूव किया है। तो जितना भी संजीदा कारकुनान है तो मुख्तलिफ जवानें अगर मौजूद भी हैं किसी वजह से, हमें ये यकीन है कि वो आगे चलकर हमारे साथ मिला। अच्छा, बाबर गौरी साहब और शमीम अख्तर साहब और जो दीगर जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं एमक्यूएम लंदन से, अगर वो एमक्यूएम पाकिस्तान से राबता करते हैं तो उन्हें वेलकम किया जाएगा पार्टी में? देखिए, मैं केपेबल तो नहीं हूँ कि मैं सबके मुतालिक ये बात कर सकूँ। राबता कमेटी की मीटिंग में ही डिसाइड होगा। जैसे कि बाबर गौरी साहब के मुतालिक माजी में तकरीबन 6 महीने पहले एक मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि अगर उन्होंने इस तरह की कोई ख्वाहिश का इजहार किया तो शायद उसको वेलकम नहीं किया जाएगा। लेकिन अगेन, अगर वो अभी करते हैं राबता तो फिर हमारे यहाँ जमहूरी सिस्टम को हम फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं कि बैठे जाए, राबता कमेटी बैठे, मैरिट के ऊपर हर केस को तय करें। अच्छा, फैसल साहब, अभी कुछ अर्से पहले परवेज मुशरफ साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि सियासी जमातें जो महाजर के नाम पे इस वक्त क्यादत वो कर रही हैं, सियासत कर रही हैं, उनमें क्यादत का फुकदान इस वक्त नजर आ रहा है। क्या वो अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं या आप लोगों के बैकडोर चैनल से उनसे रबते हैं, कुछ मामला चल रहे हैं अंदरून खाना? नहीं, हमारे कथन कोई बात को रखते उनसे नहीं है। मैं समझता हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब के इस तरह के जो बयान आते हैं उससे हमारे वोटर्स के दिलों में जो उनका एहतराम है वो जाता रहेगा, तो उनको गुरेज करना चाहिए। मैं बहुत दरख्वास्त करूंगा उनसे इस तरह के बयान से गुरेज। अच्छा, सानिया मॉडल टाउन वाकई पर जरा एमक्यूएम का मौकफ, एमक्यूएम का स्टांस क्या है? चूंकि जब ताहिरुल कादरी साहब धरने देते थे तो उस वक्त हम देखते थे कि एमक्यूएम बड़े सपोर्टिव बयान ताहिरुल कादरी साहब के लिए आते थे और एक हमदर्दी का फैक्टर था आप लोगों का उनके लिए, तो इस वक्त एमक्यूएम का क्या स्टांस है मॉडल टाउन की? अब जो एक अहम रिपोर्ट सामने आ चुकी है उसमें वो कई जानब इशारा भी कर रही है। हम ये समझते हैं कि मॉडल टाउन में जुल्म हुआ, जो वहाँ खून बहा है उस खून का हिसाब होना चाहिए, लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हम हमारे लीगल एक्सपर्ट्स और हम सब बैठ कर इस रिपोर्ट को भी देखेंगे कि क्या उस चीज में इशारे हैं, क्या है। हमारी ख्वाहिश यही है कि जल्द से जल्द हुकूमत और अदालतें मॉडल टाउन सामने है कि जो लोग उसके पीछे हैं सबके सब कुछ सामने लाए। मैं इस कमीशन की रिपोर्ट से अगर तय हो जाता तो फिर ये इतनी बहस यहाँ हो नहीं रही होती। कमीशन के बाद भी कोई पॉलिटिकल मूव बनाने पड़े, हम समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं होती। अदालतें फैसला करें, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि इस मुल्क के किसी भी कोने में, कराची हो या लाहौर, कहीं पर भी किसी को भी किसी मजलूम का खून बहाने से आगे गुरेज कर पाए। अच्छा फैसल साहब, इससे बढ़कर एक जुर्म कराची में भी हुआ था, ज़ाहिर है मेरा इशारा बल्दिया फैक्ट्री सानिया की तरफ है, और उससे पहले अगर हम 12 मई के वाक़े की भी बात कर लें तो अब सानिया बल्दिया के मरकजी मुलजिम हमाद सिद्दीकी को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है, तो उनसे मुतालिक भी बिल्कुल एमक्यूएम अपने स्टांस में क्लियर है, क्योंकि पीएसपी तो उनकी बड़ी साइड लेती है, उन्हें क्लीन चिट देती है कि हमाद सिद्दीकी इस वाक़े में मुलव्विस नहीं है, जबकि ज़ाहिर है जिसने आग लगाई अब्दुलरहमान उर्फ भोला उसने वाज़ेह तौर पर हमाद सिद्दीकी का ही नाम लिया, और हमाद सिद्दीकी उस वक्त एमक्यूएम में भी शामिल थे जिस वक्त वाक़या हुआ। हम बहुत फायदे हैं कि बल्दिया टाउन अगर दहशतगर्दी है तो उसके पीछे जो जो लोग हैं उनको सामने ला के उनको सख्त तरीन सजा, हम तो कहते हैं कि चौक में फांसी दें अगर किसी ने 250 लोगों को जिंदा जलाने की सोचा भी है तो। और इसमें हमें इसमें कोई कहने में आर नहीं है कि इसकी संजीदा तरीन तहकीकात करके अदालत में मुजरिमों को पेश करके उनको जल्द अज जल्द सजा दी। अच्छा फैसल साहब, 2018 के इलेक्शन में भी जाहिर है कमी वक्त रह गया है, ये बताइएगा कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन तने तनहा लड़ेगी, कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, किसी के साथ इत्तेहाद या इंजमाम, कोई ऐसी खबर आ सकती है मुस्तकबिल में? नहीं जी, कोई सी इंजमाम की खबर नहीं आए बिल्कुल, ये आप लिख लीजिए। यकीनन सीट एडजस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी शायद ख्वाहिश होगी कि सूबे सिल में जो पीपल्स पार्टी ने नाअहली और असबियत पर मबनी एक रिजीम 10 साल से कायम कर रखा है उसका तोड़ निकाला जाए, तो उसमें अगर कोई हमसे बात करना चाहेगा तो शायद हम भी बैठेंगे बात करेंगे, लेकिन कोई इंतजाम किसी से नहीं होगा।
अच्छा, अगर ये सीट एडजस्टमेंट हो भी सकती है तो ये जो दीगर महाजन धड़े हैं उन्हीं के साथ, या फिर आपका इशारा पीटीआई की तरफ है, चूंकि 2013 के इंतखाबात में तो एक दूसरी बड़ी फोर्स के तौर पर पीटीआई कराची में सामने आई थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखिए, हमने एक बहुत वादे पॉलिसी अपनाई है कि जो नशिस्तें हमने 2013 के इंतखाबात में जीत ली थी उन पर तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि हम किसी से सीट एडजस्टमेंट की भी बात करें। जिन नशिस्तों के ऊपर हम बहुत क्लोज कंटेस्ट करके हारे हैं या दीगर जमातें क्लोज नहीं कंटेस्ट करके हारी हैं और वहां कुछ हमारे वोटर्स हैं, तो उन नशिस्तों के ऊपर बातचीत हो। अच्छा, इलेक्शन वक्त पर हो या इलेक्शन वक्त से पहले हो, इसका एमक्यूएम की परफॉर्म, एमक्यूएम पर की तैयारी पर कोई असर पड़ेगा? एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल तैयार है किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए? नहीं, तौर के ऊपर तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन एमक्यूएम के दफातर बंद है। हमारा मुतालबा है, हमारी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द हमारे दफातर खुल पाए। हम जो लीगली एक्वायर कर रहे हैं चाह रहे हैं दफातर, उसमें भी हमें परेशानी का सामना आ रहा है। दफातर खुलेंगे तो हम कैंपेन डिजाइन करेंगे हर हलके की और फिर उसमें लोगों में जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि इलेक्शन में जहां कम अर्सा रह गया, हमें जल्द अज जल्द हमारे दफातर खोलने की हमें इजाजत दी जाए, हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं। फैसल साहब, ये दफातर की बंदिश का जो मामला है, तो जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके पास वोट मांगने आए थे वजीर आजम के तौर पर जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक्त ये मामला उनके सामने भी रखा गया था, उनकी जानिब से यकीन दहानियां भी कुछ कराई गई थी, तो उसके बाद ये डायलॉग अभी तक चल रहा है या वहां से बिल्कुल जवाब ना की सूरत में आ चुका है आपके पास? मेरे ख्याल में तो हम बारहा जब भी बात करते हैं मुतालबा करते हैं। कुछ दफातर हमारे हैदराबाद में खुले हैं, चंद दफातर हमारे कराची शहर में खुल चुके हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमारी बड़ी तादाद में जो दफातर बंद है, जो हमारी प्रॉपर्टी है या लीगली हमने एक्वायर किए हैं, उन सबको हमें खोलने की इजाजत हो या और हम नए दफातर का भी वसूल चाहते हैं ताकि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर आकर इलेक्शन कर सकें। ठीक है, फैसल सफजारी साहब एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फैसल सफजारी साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे और अब प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीएसपी के रहनुमा आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे कि पीएसपी के सरबरा मुस्तफा कमाल जो कि गुज़िश्ता रोज़ मुश्तरका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारुल कादरी के साथ और साथ ही साथ एक अहम मुलाकात भी उन्होंने की, क्या इस मुलाकात के जरिए वो पंजाब में अपनी एंट्री देना चाहते हैं, मॉडल टाउन वाकये को इस्तेमाल करते हुए पंजाब में वो दाखिल होना चाहते हैं, या फिर जो उनका इस वक्त एक कहना है उनका यह है कि वो सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन के साथ गम में उनके बराबर के शरीक हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। और उन्होंने कहा कि सानिया मॉडल टाउन के शोदा के साथ खड़े हैं और इस मामले में ताहिरुल कादरी का हम हमेशा साथ देंगे। लेकिन एक सानिया कराची में भी पेश आया था, सानिया बल्दिया टाउन, और उसके मरकजी किरदार हमाद सिद्दीकी को भी अब पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। लेकिन उस मामले में पीएसपी का मौके बड़ा वाजे रहा है और हमेशा उनकी जानब से हमाद सिद्दीकी को क्लीन चिट दी गई है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे, इस वक्त पीएसपी के रहनुमा आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ हसनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आसिफ हसनैन साहब, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुश्तरका मुस्तफा कमाल साहब की मुलाकात हुई है तारुल कादरी साहब से, सानिया मॉडल टाउन में उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया, तो इस मामले के जरिए कि पीएसपी इस वक्त एंट्री चाहती है पंजाब में? देखें जी, जहाँ तक सानिया मॉडल टाउन का ताल्लुक है, ये तो एक बहुत बड़ी रियासती दहशतगर्दी थी और जिस तरह से वहाँ ज्यादती हुई और इंसानों को मारा गया, ये तो कोई ढकी छुपी चार दीवारी में हुआ नहीं, ये तो सब कैमरों के आगे हुआ और ओपन हुआ और जो कुछ होता रहा वो सब आप दिखाते रहे, लाइव की कवरेज होती रही। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों पर उस वक्त तक आवाज उठ रही थी जब तक नजर ये आ रहा था कि शायद हुकूमत के जो लोग हैं, जो हुकूमत रन कर रहे हैं पंजाब में, वो शायद इसमें किसी हद तक मुलविस हैं या नहीं है। लेकिन बाकर नशवी की जो रिपोर्ट है उसके तो बहुत सी चीजें क्लियर हो गई और उसमें आ गया कि जी हुकूमत इसमें मुलविस है। तो जब इसमें हुकूमत मुलविस है तो जाहिर सी बात है कि जहाँ ज्यादती हुई है जिन लोगों के साथ, उसके साथ पीएसपी खड़ी है। और बिल्कुल, हमने जो मुलाकात की तारुल कादरी साहब से निगरानी कराई है कि जब उसको जहाँ जरूरत होगी पाक सरजमीन पार्टी उनके साथ होगी, उनके लोग उनके साथ होंगे और इतने बड़े वाक्य पर हम और जहाँ जहाँ इस किस्म की चीजें या ज्यादतियाँ हुई हैं या होंगी, बिल्कुल हम इसके साथ। आसिफ हसनैन साहब, कहीं ये साद रफीक साहब के उस बयान का रिएक्शन तो नहीं जो उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते दिया था? उन्होंने कहा था कि पीएसपी का तो कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा और इसी तरह की सियासी जमातें बना दी जाती हैं और अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए।
देखें जहाँ तक बयानात का ताल्लुक है कि नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें तो वक्त होंगी कि जब इलेक्शन हो जाएंगे। हाँ इतना जरूर है कि आज बहुत से लोग जो इस किस्म की बात कर रहे हैं उनको शायद कराची की डायनेमिक्स का नहीं पता या वो ये नहीं पता रहे कि कराची में हो क्या रहा है। देखिए कराची में 30 सालों में जो सूरत हाल बनी दहशतगर्दी के हवाले से, टारगेट किलिंग के हवाले से, कराची में जिस तरह एजुकेशन की तबाही हुई, कराची में जिस तरह डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इन 30 सालों में जो सूरत हाल रही उसमें बिल्कुल ये बात वाजह कर दी है कि 30 साल तक कौन सी सियासी जमात थी जो कि हुकूमत में इख्तदार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रही है और नो इलेक्शन लड़के आई है। तो जाहिर सी बात है कि एमकेएम का और पीपल्स पार्टी का जो रोल है सिंध के अंदर वो अब किसी से ढका छुपा तो रहा नहीं है और इन्हीं सारी सियासी जमातों को इस बात की परेशानी है कि किसी भी सूरत में पीएसपी जो है उसको जब ये बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसको फलता फूलता हुआ देख रहे हैं और डेढ़ साल में जिस बड़ी तेजी से तमाम तबकों के लोग, तमाम कौमियतों के लोग जिस तेजी से पीएसपी में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो अपोनेंट हैं, जो मुखालफिन हैं, उनको उनके पास तो कोई ये तो अपने मुंह से नहीं कहेगा कि नहीं जी ये वाकई सब कुछ हो रहा है और चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने ये सब कुछ कहना है। लेकिन इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा, इलेक्शन करेगा और बिल्कुल हम इलेक्शन में उनको बताएंगे मॉडल टाउन के वाकये में कि राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ पंजाब हुकूमत के दोनों अहम तरीन इस वक्त रहनुमा है, वो दोनों इस्तीफा दें, बड़ा क्लियर स्टांस है पीएसपी का। लेकिन इसी में जो वाकया पेश आया था सानिया बल्दिया फैक्ट्री में 250 से जायद जाने गई थी और उसका जो मरकजी मुलजिम है हमाद सिद्दीकी, उसको पीएसपी बहुत ज़्यादा डिफेंड करती है। मुस्तफा कमाल ने भी कई मौकों पर ही कहा है कि उसमें हमाद सिद्दीकी का कोई हाथ नहीं है। दोनों जानब तहकीकत इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जानब से की गई, वहाँ जिनको जिम्मेदार ठहराया गया उस पर तो आप कहते हैं कि उनको सजा दी जाए और उनको इस्तीफे भी उनके फ़ौरन आप तलब करते हैं, यहाँ पर स्टांस आपका मुख्तलिफ क्यों है? देखें जी हमारा स्टांस इस पे भी बिल्कुल क्लियर है कि जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनको कैसरे किरदार तक पहुंचाया जाए, सजा दी जाए, चाहे हमाद सिद्दीकी मुलव्वस हो, इंसानी जाने गई हैं। हमाद सिद्दीकी हमारा कारकुन नहीं है और ना हमारी जमात में है, लेकिन मुस्तफा कमाल ने एक बात ये कही कि मैं उस वक्त उस जमात में था, मुझे सच्चाई का पता है और मैं ये बात सच्चाई से कह रहा हूँ कि ये जो वाकया हुआ है इसमें हमाद सिद्दीकी मुलव्वस नहीं है। तो फिर कौन मुलव्वस है, बताते भी नहीं ना। अगर वो इसलिए कह रहा है कि उसने क्लियर किया कि अगर मैं एक आदमी के लिए सच नहीं बोल सकूंगा तो मैं सारे लोगों के लिए कैसे सच बोलूंगा। आज मैं सच्चाई से ये बात कर रहा हूँ और आप भी अपनी इस इंट्रो में आपने पीछे भी तमाम चीजें जो अब तक कही है उसमें भी क्लियर है क्योंकि वो एक मुल्जिम की हैसियत से, हम भी तो ये कह रहे हैं कि जी जो आदमी एक मुल्जिम की हैसियत से है, उसने मुस्तफा कमाल ने कहा कि मैं वहां था, मैंने देखा ये सारी चीजें मुलव्वस नहीं है। लेकिन आसिफ हसैन साहब जो आग लगाने वाला है अब्दुल रहमान उर्फ भोला, उसने तो वाज़े नाम लिया है कि हमाद सिद्दीकी की हिदायत पर ही उसने आग लगाई है। देखिए पाकिस्तान में और खासतौर पर कराची में कई जीआईटियां बनी, कई कमीशन बने, इन सईद का केस आपके सामने है, दीगर केस आपके सामने है, इस सारी सूरत हाल में कोई एक केस भी ऐसा है जिसने इस बात को साबित किया हो कि भाई जब ये ट्रायल होता है चीजें होती हैं और उसके बाद फिर पता चलता है कि नहीं जी मुलव्वस नहीं है, हम इतनी इसकी हाइप बना देते हैं और हाइप बनाने के बाद पता लगता है कि जी केस सारी होगी। आपके सामने की बात है कि कई जीआईटी तो मुझे ऐसी भी मेरे इल्म में जिसमें खुद साथियों के नाम है, जिसमें खुद कई साथियों के नाम डाले गए, लेकिन क्या वो साथी मुलव्वस तो नहीं है उस जीआईटी में? और इसी तरीके से आज भी जो सूरत हाल है, मैं कहता हूँ कि भाई चीजें उसका ट्रायल करें, अगर उसमें चीजें आती सामने आती हैं तो बिल्कुल सही है, हम इस बुनियाद पर उसको सपोर्ट कर रहे हो कि हमारा कारकुन है या हमारा कोई सपोर्टर है तो आप समझ सकते हैं, हमें कोई बेनिफिट है कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सच्चाई के साथ तो हम खड़े होंगे ना। अगर सच बात है वो कौन तो बताएंगे, उसकी एक जीआईटी पहले हो चुकी है, उसकी जीआईटी के सारे पुलिस के ऑफिसर मौजूद है जिनके साइन है, उन्होंने कहा है कि जी ये सारी जो जीआईटी ने वादे किया है कि ये किस वजह से हुआ था और उसकी वजूहत क्या थी, तो अगर आप जीआईटी पर फिर कोई जीआईटी करने के लिए जा रहे हैं और उसमें जो मुल्जिमान है उनको पेश करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें अदालतों पे छोड़ दें, अदालतें एविडेंस की बुनियाद पे क्या फैसला करती हैं। अच्छा आसिफ हसन साहब, भी दो रोज पहले सलमान बलोच साहब ने आपकी पार्टी ज्वाइन की है, ज़ाहिर पहले वो एमक्यूएम में थे, 20 अक्टूबर को अलबन उनको एमक्यूएम से निकाला गया था,
एमक्यूएम ने उनको डिसिप्लिन तोड़ने पर निकाला और आप ऐसे लोग अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं जो कि दूसरी पार्टियों में डिसिप्लिन तोड़ते हैं। देखें जी, आपने जो बात की है, आप जरा ये फारूक सत्तार साहब से पूछें कि डिसिप्लिन पे निकालने का क्या मकसद होता है। वो एमएनए है, वो इजलास अटेंड कर रहा है, वो आपकी मीटिंगों में बैठ रहा है, तो फिर कौन कैसे निकाल दिया आपने? अरे ये सारी बातें बिल्कुल मुनाफ़त पर मबनी हैं। आज़िफ साहब, चले उन्होंने तो निकाल दिया, उन्होंने निकाला और आपने रख लिया, आपने कैसे रख लिया? मैं यही तो कह रहा हूँ कि कहाँ निकाल दिया उन्होंने, वो अभी इजलास अटेंड कर रहा था उनका अपना, अभी लास्ट इजलास में मौजूद था, अटेंडेंस लगा कर आया है, उनके उनके प्रोग्रामों में जा रहा था, वो एमएनएशिप उसकी मुतलका कमिटमेंट की अभी मौजूद है, तो कैसे निकाल दिया उन्होंने? कौन सी डिसिप्लिन के पाबंदी में? झूठ बोल रहे हैं, मुनाफ़त कर रहे हैं कौम के साथ कि जी हमने निकाल दिया तो पीएसपी ने। अच्छा चले जी, आपने निकाला था, कोई आपके पास कोई कोई प्रूफ है, कोई आपने मीडिया पे दिया? ऐसा तो आप मीडिया पे दे देते हैं। अभी तो आमिर खान गुफ्तगू कर रहे थे हैदराबाद जलसे में, उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने बोला कि हमने तो निकाल दिया था सलमान मुजाहिद बलोच को और उसके बाद पीएसपी ने अपने पास रख लिया। मैं वो बातें नहीं करना चाह रहा, आमिर खान की हिस्ट्री आपको पता है, आप लोग जानते हैं, आमिर खान वो था जिसने 92 में जो है वो छोड़कर चला गया और जाकर आफाक को ज्वाइन कर लिया, फिर जाकर आफाक से भाग कर वो दुबई में गया, पार्टी छोड़ी, वापिस आया, वापिस आकर फिर आफाक को ज्वाइन किया, फिर उसने आमिर खान ग्रुप के नाम से पार्टी बनाई, फिर एमक्यूएम से माफी मांगकर दोबारा एमक्यूएम में आया, फिर उसने उसी अल्ताफ हुसैन को छोड़कर दोबारा फारूक सत्तार में, जिसका अपना कैलिबर नहीं है, अपना कैरेक्टर नहीं है, 7 दफा जो पार्टी छोड़ छोड़ के गया, माफिया मांग मांग कर अपने मफादात के लिए आज अरबपति आदमी हो गया, वो दुबई में उसने जो है इतना पैसा बना लिया, कराची में आज उसके ये जो शादी हॉल और लॉन टूट रहे हैं, जो ये जो पैसा ये किसका ही है? ये जार और ये आमिर खान के नहीं है क्या? क्या यहाँ पर ये गोश्त का कारोबार से लेकर सारे कारोबार बैठ कर रहा है, आज यहाँ करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो वो उसका कैलिबर और कैरेक्टर नहीं है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उस वो मिला रहे हैं अपने आप को उस कैरेक्टर से, मुस्तफा कमाल से, जिसने शहर को बनाया, मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, उसका उसका कैरेक्टर और मुस्तफा कमाल के कैरेक्टर में फर्क नहीं है, ये बैड कैरेक्टर लोग हैं, इस तरह की बातें इनकी कौम समझ चुकी है, कराची के आवाम इनके कैरेक्टर को जानते हैं। आज़िफ हसन साहब, आप बड़ी बड़ी तल्ख ज़बान आप आमिर खान साहब के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कल को वो भी पीएसपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर अपनी इन तमाम बातों पर आप कायम रहेंगे? मेरा मौकिफ यही रहेगा, मैं बिल्कुल अपने बयान पे कायम रहूंगा, और ये बात मैं उनके मुंह पर भी कहता था पार्टी में रहकर, मैंने उनसे इख्तलाफ इसी बात पे किया कि गलत आदमी, बैड कैरेक्टर आदमी जो है वो इस वक्त जो है सरबरा बना हुआ है, आज कामरान टेसोरी जैसे लोग जिनको आप मनाने के लिए जा रहे हैं, क्या कैरेक्टर है? दुबई में जो आदमी फ्रॉड करके भागा है, जो आदमी लैंड माफिया के नाम से कराची में पहचाना जाता है, आप उस शख्स को आज मनाने के लिए जा रहे हैं? इतने कम वक्त में कामरान टेसोरी साहब इतना ऊपर कैसे आ गए? अभी फरवरी में तो उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान को ज्वाइन किया था और एमक्यूएम पाकिस्तान, जाहिर है एमक्यूएम का हिस्सा आप लोग और पीएसपी के भी तमाम लोग रहे हैं, एक बड़ी तवील जद्दोजहद करनी पड़ती है यहाँ पर तो ऊपर आने के लिए। माजी में कहा जाता था कि मेरिट पर लोग ऊपर आते हैं, लेकिन अब ये इतने शॉर्ट टर्म में सिर्फ 8-9 माह में कैसे इतने ऊपर आ गए कि डिप्टी कन्वीनर बन गए? मैं इससे कहूंगा तो मुनासिब नहीं होगा, किसी की जातियात पर बात चली जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो पार्टी का मामला है, ये जातियात पर इसमें कहाँ से बात हो सकती है? एमपीएम पाकिस्तान में अब इस वक्त कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो पैसे खर्च करेगा वो एमएनए एमपीए बन जाएगा, सेनेटर बन जाएगा, डिप्टी कन्वीनियर बन जाएगा, शर्त ये कि उसके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए और वो खर्च करके आगे सीट आ सकता, तो सीधे आप पैसे की बुनियाद पे एमक्यूएम में मिलेंगी, मतलब नीचे से आने वाला जो ग्रास रूट का जो वर्कर है, मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, उसकी जगह आप थोड़ी है, अब तो वो लोग आएंगे जो पैसे खर्च कर सकते हैं, फा उनकी कितनी भी नेकनामी और बदनामी हो। अच्छा, आज ये एमकेएम लंदन के भी कई लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, बाबर गौरी उसमें एक बड़ा नाम है, शमीम सिद्दीकी मुस्ताफी हो गए, अंबर खान और डॉक्टर नदीम भी ज़ाहिर एमकेएम लंदन को छोड़ गए, आप में से किसी से इनमें से किसी से आपका रब्ता हुआ है, आपकी पार्टी से कोई ज्वाइन करने वाला आपकी पार्टी को? मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ना करे हमसे रब्ता हो, इसलिए कि जिनका मैं फिर कहूँगा कैरेक्टर नहीं है, अच्छे नाम उसे नहीं पहचाने जाते, वो अपनी जगह पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जी लंदन से इख्तलाफ कर लिया, कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बलफ कर रहे हैं, कैमोफ्लॉज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आज तो कैमरे पे मुख्तलिफ चैनल्स पे सबने ही देखा, बड़ा खुल के बाबर गौरी साहब ने अपने एलर्जी का ऐलान किया, ये इसमें भी इनके कोई मफादात होंगे, इनको पाकिस्तान आना होगा, इनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं पाकिस्तान में, इन्होंने जितनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इनलीगल करवाई है, जितने मामला करवाए हैं वो तोड़ फोड़ की तरफ जा रही है,
इस पे जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने और इदारों ने, लिहाजा इनको पता है कि इनको अरबों रुपए जो लगाए थे इन्होंने वो नुकसान की तरफ जाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके डा दिए, लिहाजा अब ये उन सारी चीजों से बचने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये कैमोफ्लॉज कर रहे हैं। लंदन से ताल्लुक था, रहेगा, ये वहां से हट नहीं सकते, उन्होंने इनको नवाजा है, वही लोग इनको नवाज रहे हैं, ये उन्हीं के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं, पैसे खर्च करने वाले लोग हैं, पैसे पहुंचाने वाले लोग हैं, ये कैसे अख्तलाफ करके ले जा सकते हैं। अच्छा, बाबर गौरी ने भी आज एक चीज कही जो अक्सर आप लोग भी कहते रहते हैं कि एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान एक ही है, अलहदा अलहदा नहीं है, तो अक्सर ये बात मुस्तफा कमाल तो कहते रहते हैं और उनकी बात की ये तायद भी हो गई आज बाबर गौरी के मुंह से। नहीं, अभी तो सब कहेंगे, आप उनके जलसों में देख रहे हैं अल्ताफ हुसैन के नारे लग रहे हैं, अभी हैदराबाद के जलसे में क्या हुआ, कराची के जलसों में क्या हुआ, ये तो सारा हम पहले भी कह रहे थे, जो मुस्तफा कमाल बार बार कह रहे हैं कि ये तो ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन को, मुल्क दुश्मन शख्स को ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं जो मुल्क के खिलाफ है, और ये सब वही है, तो आप इनको अलहदा नहीं समझ सकते, ना अलहदा कह सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जो सूरत हाल बनी है, सूरत हाल में शेल्टर इनको चाहिए था, उस शेल्टर की बुनियाद पर, यही वजह थी इनको PSP और जो ये अलायंस बनने जा रहा था ये सूट नहीं कर रहा था, और इनको पता था हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी, हम राह के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, हम अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, इनके अंदर बैठा हुआ एक बहुत बड़ा एलिमेंट जिसको हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते रहे कि भाई वो अल्ताफ हुसैन के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारे साथ क्यों आएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, वो जो गलत काम उल्टे सीधे काम ये लोग कर रहे हैं बैठ के, जो जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी फारूक सत्तार साहब नहीं कर पाते, तो उनकी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी वो कैसे छोड़ कर आएंगे, तो ये सारा वो एलिमेंट है जिसको फॉर्म को समझना है, फॉर्म समझ रही है, और अच्छी की आवाम इंशाल्लाह फैसला देंगे अपने वोट की सूरत में कि हम जो है वो बैड कैरेक्टर लोगों, बद अखलाक लोगों को और ऐसे लोगों को जो कि कौम को देते चले आए और आज भी देने की कोशिश कर रहे हैं, और माँ के नाम पर उर्दू बोलने वालों को, माजरों को धोखा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कराची और सिंध भर के जो उर्दू बोलने वाले वही सारी चीजों को पढ़े लिखे लोग हैं, बारीकी से देख रहे हैं। गेंद अवाम के कोर्ट में है और अवाम ही फैसला करेंगे 2018 के इंतखाबात में। बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब गुफ्तगू करने के लिए। आसिफ हसनैन साहब प्रोग्राम में अपना मौकफ पेश कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।